जनपद आगरा के थाना सिकंदरा स्थित मंगलम आधार अपार्टमेंट में शुक्रवार रात को पुलिस की दबिश के दौरान युवा अधिवक्ता संघ के संरक्षक सुनील शर्मा आठवीं मंजिल से गिर गए। हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद दीवानी परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के बाद पुलिस का पुतला भी फूंका। पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार थाना न्यू आगरा में अधिवक्ता के खिलाफ बंधक बनाकर बेनामा कराने का मामला दर्ज हुआ था। इसमें वो वांछित चल रहे थे, जिसको लेकर बीती रात थाना पुलिस प्रक्रिया के तहत उनके फ्लैट पर पहुंची थी। हम आपको बताते चलें कि वकील सुनील शर्मा अपनी पत्नी के साथ मंगलम आधार अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 801 में करीब एक माह से रह रहे थे। 1 मार्च की रात करीब 11 बजे एक गाड़ी में करीब 6 से 7 पुलिसकर्मी अपार्टमेंट पहुंचे थे। इसमें 3 दरोगा के साथ एक महिला पुलिसकर्मी और सादा वर्दी में अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पुलिस वाले सीढ़ियों से फ्लैट की ओर जा रहे थे कि किसी के नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद अधिवक्ता को लेकर SN मेडिकल ले जाया गया, जिसके बाद वकील की मौत की जानकारी पर पत्नी रात में SN मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। पत्नी का आरोप था कि रात को पुलिसकर्मी जबरन घर में घुस आए, घर के अंदर छानबीन करने लगे। वहीं इसके बाद इस घटना को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच के बैनर तले अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उत्तर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस का पुतला भी फूंका। इसी को लेकर अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह ने अधिवक्ताओं के आक्रोश को लेकर अपने विचार रखे। चौधरी साहब, आज आपने पुलिस के खिलाफ पुतला फूंका है, पुतला दहन किया, पुलिस से भी तीखी नोकझोंक भी है, क्या वजह है और किस वजह से आपने फूंका? देखिए, एक अधिवक्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ये आता है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कब करो? मुकदमा दर्ज कर दिया तो उसकी विवेचना होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने का मतलब ये नहीं है वो अपराधी है। कोई भी मुकदमा झूठा भी तो दर्ज हो सकता है। आप उसकी निष्पक्ष जांच करते, पुलिस के पास एजेंसियां हैं, उस एजेंसियों से सरकार के पास जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों से जांच कराते, दोषी थे तो कार्रवाई होती। लेकिन ये कहाँ का कानून है? रात के 11 बजे आप किसी के घर में जाते हैं, दबिश देते हैं। अब ये किसी के मालूम नहीं है कि उस अधिवक्ता को पुलिस ने मार दिया या वो गिर गए। लेकिन आज अधिवक्ता समाज में जब ये खबर आई तो रोष व्याप्त हो गया। आक्रोशित अधिवक्ता साथियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुनील शर्मा की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। घटना प्रकाश में आते ही अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त। गुस्साए पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच द्वारा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद विवाद के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला गया, तथा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और सुनील शर्मा को न्याय के नारे लगाए गए। नारे लगाते हुए अधिवक्ता MG रोड पर उतर आए और MG रोड पर अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। पुतला फूंकने के दौरान अधिवक्ता और पुलिस में कर्री झड़प हुई। उन्होंने पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ता पुतला जलाने में सफल रहे। इस दौरान पुलिस द्वारा हुई धक्का मुक्की में चौधरी अजय सिंह के उल्टा हाथ जख्मी हो गया। हमारे मध्य से एक अधिवक्ता का इस तरीके से जाना, पुलिस द्वारा हत्या कर दिए जाना, निर्संक हत्या, अधिवक्ता समाज इस पर चुप नहीं बैठेगा। आज आर पार की लड़ाई के मूड में अधिवक्ता समाज आ चुका है। आप देखिए प्रदेश के अंदर कितने अधिवक्ताओं की बदमाश दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक जुडिशियर अधिकारी की बिहार में हत्या कर दी जाती है। प्रशासन कर क्या रहा है? क्या यही मोदी योगी का शासन प्रशासन है? और अगर यही है तो अब अधिवक्ता समाज में इतना रोष व्याप्त है कि रोड पर उतर करके पुलिस के विरुद्ध आमने सामने का मोर्चा खोलने के सिवाय कोई वो चारा नहीं रहेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी प्रशासन से मांग है जो दोषी हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए, मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। जनमंच द्वारा परिसर में बैठक कर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि सुनील शर्मा के हत्या के दोषी पुलिस वालों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जाए। साथ ही साथ जनमंच द्वारा घटना की न्यायिक जांच कराने जाने की मांग की गई। साथ ही साथ जनमंच ने कहा कि
प्रदेश में अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्य दिन अधिवक्ताओं की हत्या की जा रही है। मुन्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।